क्रिकेट एकेडमी बनाने के लिए जिस खिलाड़ी ने मजदूरों की तरह किया था काम, अंडर 19 मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज, बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नाच नचाने वाला गेंदबाज, संघर्षों और बाधाओं को पार कर जो बना टीम इंडिया का लीड स्पिनर। लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, धैर्य और साहस के दम पर उसे हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही एक लक्ष्य हासिल किया जोधपुर के एक खिलाड़ी रवि बिश्नोई ने। ख्वाब देखकर उसे पूरा करने की जद्दोजहद में लगे राजस्थान जोधपुर के रवि बिश्नोई को यह नहीं पता था कि उसकी मंजिल भारतीय क्रिकेट टीम होगी। बस यह लगा था कि जरूर कुछ अच्छा करूंगा। आज एक्स्ट्रा कवर में बात होगी टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की। रवि बिश्नोई ने अभी हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज में अपना लोहा मनवाया है और साउथ अफ्रीका दौरे पर होने वाली T20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है। यानी साफ है कि आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए वो टीम इंडिया के प्लान का हिस्सा है। अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को 6 T20 मुकाबले खेलने हैं और बिश्नोई को युजवेंद्र चहल से ज्यादा तरजीह दी जा रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में रवि बिश्नोई को जगह मिलेगी। और हो भी क्यों ना, चहल ने इस साल 9 T20 मैचों में 9 विकेट लिए हैं जबकि बिश्नोई ने 11 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में बिश्नोई ने अपनी गेंदबाजी से सबका दिल जीता। उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 9 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाजों में से एक श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन भी बिश्नोई के मुरीद हो गए। मुरलीधरन ने बिश्नोई की तारीफ करते हुए बताया कि ऐसी क्या चीज है जो बिश्नोई को दूसरे लेग स्पिनर से बिल्कुल अलग बनाती है। मुरलीधरन ने कहा, बिश्नोई दूसरे लेग स्पिनर से अलग है। वह तेज गेंद डालता है और गेंद को स्लाइड कराता है। मददगार विकेटों पर उसे खेलना काफी कठिन है। बिश्नोई ने फरवरी 2022 में अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक भारत के लिए 21 T20 मुकाबले खेले हैं और 34 शिकार किए हैं। बिश्नोई का लोहा ऑस्ट्रेलिया के T20 कप्तान मैथ्यू वेड ने भी माना। उन्होंने कहा, उनके स्पिनरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। बिश्नोई ने खास तौर पर चारों मैचों में शानदार गेंदबाजी की। उसे खेलना आसान नहीं था। अब आपको रवि बिश्नोई के क्रिकेट सफर के कुछ अनसुने और अनकही बातों को बताते हैं। रवि बिश्नोई का जन्म जोधपुर जिले से सटे गांव बिरामी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है। रवि के पिता का नाम मांगीलाल बिश्नोई है जो पेशे से अध्यापक हैं और उनकी माता का नाम श्रीमती सोहनी देवी है जो एक गृहिणी है। बिश्नोई कुल 4 भाई बहन हैं। भाई का नाम अशोक है, वहीं बहनें रिंकू और अनीता है। रवि बिश्नोई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही स्कूल से पूरी की। वहाँ आगे की पढ़ाई के लिए वो जोधपुर चले गए और महावीर स्कूल में पढ़े। जब वो 12वीं में थे तो जयपुर में IPL की तैयारी के लिए राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अपने साथ बतौर नेट गेंदबाज शामिल किया। परीक्षा छोड़कर बिश्नोई ने वहां नेट बॉलिंग की और यही उनके क्रिकेट करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 2020 में उनका चयन अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हुआ। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि बिश्नोई शुरू में तेज गेंदबाजी किया करते थे। बाद में उनके कोच कम दोस्त शाहरुख पठान ने उन्हें स्पिन गेंदबाजी करने की सलाह दी। बिश्नोई ने भी उनकी बात को माना और धीरे धीरे उनकी गेंदबाजी में निखार आने लगा और उनकी पहचान एक खतरनाक लेग स्पिनर के रूप में होने लगी। रवि बिश्नोई क्रिकेट के इतने बड़े दीवाने थे कि उन्होंने पिच तैयार करने के लिए मजदूरों की तरह पसीना बहाया। उन्होंने कोच शाहरुख खान और प्रद्योत सिंह के साथ मिलकर क्रिकेट अकेडमी की स्थापना की जिसका नाम स्पार्टन क्रिकेट अकेडमी है। बिश्नोई को अपने शुरुआती क्रिकेट करियर में काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। वो 2 बार राज्य स्तरीय क्रिकेट खेलने के लिए चुने गए लेकिन उन्हें खेलने का मौका ही नहीं दिया गया। साल 2018 में राज्य संघ द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्हें खेलने का मौका मिला। इस प्रतियोगिता में बिश्नोई ने शतक ठोक दिया और अच्छे खासे विकेट भी लिए। बावजूद इसके आगे खेलने के लिए उनका चयन नहीं हुआ। बिश्नोई टूट गए और डिप्रेशन में चले गए। उनके घर वालों ने भी हार मान लिया और उन्हें फिर से पढ़ाई लिखाई करने की सलाह दे दी। लेकिन बाद में रवि के कोच ने घर वालों को और रवि को समझाया और 1 साल का और टाइम मांगा। इस दौरान रवि बिश्नोई ने अपने खेल में जबरदस्त तरीके से सुधार किया। बिश्नोई लगातार क्रिकेट में सुधार करते रहे और अभ्यास में लगे रहे जिसका नतीजा था कि उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान की टीम में चुन लिया गया था। इसके बाद बिश्नोई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
रवि के इस प्रदर्शन का नतीजा था कि उन्हें अंडर 19 विश्व कप 2020 के लिए भारतीय टीम में जगह मिल गई। हालांकि इस मुकाबले के फाइनल में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान बिश्नोई ने 17 विकेट अपने नाम, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे। उन्होंने फाइनल में ही 4 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया था। फाइनल मुकाबला समाप्त होने के बाद भारत और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच में विवाद देखने को मिला था, जिसमें बांग्लादेश के 3 खिलाड़ी और भारत के 2 खिलाड़ी आकाश सिंह और रवि बिश्नोई को दोषी पाया गया था, जिसके बाद इन खिलाड़ियों को निलंबित किया गया था। 2020 आईपीएल में बिश्नोई को पंजाब की टीम ने 2 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया। तब पंजाब के कोच अनिल कुंबले थे और उनके मार्गदर्शन में बिश्नोई और भी निखरे। साल 2020 के आईपीएल सीजन में बिश्नोई ने 12 विकेट झटके थे। साल 2022 के आईपीएल ऑक्शन में रवि बिश्नोई को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 4 करोड़ रुपए के साथ अपनी टीम में शामिल किया। इस पूरे सीजन में उन्होंने 14 मुकाबले खेले, जिसमें 13 विकेट अपने नाम दर्ज किया। अगले साल भी लखनऊ की टीम ने उन्हें रिटेन किया, जिसमें उन्होंने 16 विकेट अपने नाम दर्ज किया था। अब रवि बिश्नोई एक जाना माना नाम बन गए। आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन कर बिश्नोई ने भारतीय क्रिकेट टीम का दरवाजा खटखटा दिया था, और वो दिन भी आया जिसका सपना भारत का बच्चा बच्चा देखता है। 16 फरवरी 2022 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था, और अपने पहले ही मैच में बिश्नोई ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट हासिल कर लिए। आज बिश्नोई क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। रवि बिश्नोई को एक T20 स्पेशलिस्ट स्पिनर कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए सिर्फ 1 वनडे मुकाबला खेला है, 6 अक्टूबर 2022 को लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसमें भी बिश्नोई ने 1 सफलता हासिल की। रवि बिश्नोई ने अभी तक भारत के लिए 21 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम 34 विकेट दर्ज। IPL के 52 मैचों में उन्होंने 53 विकेट झटके। हम रवि बिश्नोई के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपके लिए एक सवाल। रवि बिश्नोई और युजवेंद्र चहल में से आप T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम में किसे चुनेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहें दर्शकों।